हेलो डिफेंस लवर्स, आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। अगले साल अगस्त तक डिलीवर होगा पहला लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर। रिक्रूटमेंट घोटाले में इंडियन आर्मी लेने वाली है एक कड़ा कदम। इंडियन आर्म फोर्सेस में खाली है 1,07,000 से भी अधिक वैकेंसीज। पाकिस्तानी आर्मी ने CIA के माध्यम से शेयर करी भारत के साथ इंटेलिजेंस इनपुट, और देश के पहले फ्री स्पेस क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन का सफल परीक्षण करके इसरो ने हासिल करी एक महत्वपूर्ण सफलता। वीडियो शुरू करने से पहले, आज शहीद दिवस के अवसर पर हम वीर भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जैसे उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहेंगे जिन्होंने इस देश की आजादी के लिए अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दे दिया, और इस देश का हर एक नागरिक इन महान सपूतों के सर्वोच्च बलिदान का सदा ऋणी रहेगा, और उनका ये बलिदान हर पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा का स्रोत भी बना रहेगा। और आज इस शहीद दिवस के अवसर पर हम बस यही कहना चाहेंगे, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। इकोनॉमिक टाइम्स की तरफ से जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक HAL के स्वदेशी लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर की 12 यूनिट्स को खरीदने के लिए भारतीय रक्षा मंत्रालय की तरफ से मंजूरी दे दी गई है, और अब HAL द्वारा पहला लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर अगले साल यानी कि 2022 में अगस्त के महीने तक डिलीवर किए जाने की उम्मीद है। और इन 12 हेलीकॉप्टर्स में से 6 हेलीकॉप्टर्स इंडियन आर्मी के लिए होंगे और 6 हेलीकॉप्टर्स इंडियन एयरफोर्स के लिए। और जो ये लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर है, ये हाई ऑल्टीट्यूड ऑपरेशंस पर अपने आप को साबित कर चुका है, और इस हेलीकॉप्टर की मदद से पुराने हो रहे चीता और चेतक हेलीकॉप्टर्स को रिप्लेस किया जाएगा। बाकी अगर आपको इस हेलीकॉप्टर के बारे में डिटेल में जानना है तो आगे तो आपको बताइए कि हम क्या कहेंगे, हमने ऑलरेडी इस पर वीडियो बनाई है, लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। और हाँ, इस बात में भी कोई डाउट नहीं है कि इन लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर के लिए ऑर्डर मिलना मेक इन इंडिया के लिए एक बढ़ावा है। राज्यसभा में पूछे गए सवालों के जवाब में रक्षा राज्य मंत्री श्रीपद नायक ने कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की है, जिसमें उन्होंने बताया कि इंडियन आर्म फोर्सेस की तीनों सर्विसेज में यानी कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को मिलाकर 1,07,000 से भी अधिक पोजीशंस खाली हैं, और जबकि इंडियन आर्म फोर्सेज की तीनों सर्विसेज में से इंडियन आर्मी में सबसे ज्यादा वैकेंसीज खाली हैं, और ये संख्या करीब 86,000 यानी कि 86,000 की है, जिसमें 79,349 पोजीशंस खाली हैं जूनियर कमीशन ऑफिसर्स और अदर रैंक के लिए, और जबकि 6,975 पोजीशंस खाली है ऑफिसर्स के लिए, और जबकि इंडियन नेवी में ऑफिसर्स के लिए ये संख्या है 1,044, और जबकि सेलर्स और अदर रैंक के लिए है 12,317। वहीं इंडियन एयरफोर्स में ऑफिसर्स के लिए है 589 और एयरमैन के लिए है 7,231। और उनका ये भी कहना था कि भारत सरकार ने इंडियन आर्म फोर्सेस की इन खाली वैकेंसीज को फिल करने के लिए सारे जरूरी कदम उठाए हैं, और इंडियन आर्म फोर्सेस में करियर के प्रोस्पेक्टिव से प्रमोशंस को इम्प्रूव किया गया है। इसके अलावा उन्होंने इस बारे में भी जानकारी दी है कि 2014 के बाद से अभी तक इंडियन आर्म फोर्सेस में टोटल 787 सुसाइड के मामले सामने आए हैं, और सबसे ज्यादा सुसाइड करने वालों में इंडियन आर्मी के पर्सनल ज्यादा हैं। बाकी रक्षा राज्य मंत्री का यह भी कहना था कि सुसाइड वाले मामले को कम करने के लिए इंडियन आर्म फोर्सेस पर्सनल के स्ट्रेस और स्ट्रेन के इश्यू को कमांडर्स कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में एड्रेस कर रहे हैं, और जबकि इंडियन आर्मी में ट्रेन और क्वालिफाइड साइकेट्रिस्ट की मदद से आर्म फोर्सेज के पर्सनल की काउंसलिंग भी की जा रही है। और इन सबके अलावा यूनियन होम मिनिस्टर की तरफ से पार्लियामेंट को इस बारे में भी जानकारी दी गई है कि 2020 में भारत में साइबर अटैक में 300% तक की बढ़ोतरी देखी गई थी, यानी कि 2019 में 3,94,499 साइबर अटैक के मामले थे, वहीं 2020 में यह संख्या हो गई थी 11,58,208। और बता दें कि ये डेटा कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम की तरफ से दिया गया था। आर्मी रिक्रूटमेंट वाले घोटाले के खिलाफ एक कड़ा कदम उठाते हुए इंडियन आर्मी ने फैसला लिया है कि जो भी इंडिविजुअल्स इस मामले में शामिल हैं और जो घूस देकर फोर्स में शामिल हुए हैं, उन सभी को बाहर निकाला जाएगा, और इसमें वो इंडिविजुअल्स भी कंसिडर किए जाएंगे जो ऑलरेडी अलग अलग अकेडमीज में या तो ट्रेनिंग कर रहे हैं या ट्रेनिंग पूरी करके ऑफिसर्स बन चुके हैं। और ANI की रिपोर्ट में सीनियर आर्मी सोर्सेज के हवाले से बताया गया है कि इस पूरे घोटाले वाले मामले की जांच में CBI के साथ इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स भी काफी सक्रिय रूप से शामिल हैं, और वे पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस मामले की गहराई तक पहुंचा जाए। और इंडियन आर्मी का साफ कहना है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। इसके अलावा जापानीज मीडिया की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें उनका ये कहना है कि साउथ चाइना सी में अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड करने के उद्देश्य के साथ चीन काफी आक्रामक रूप से काम कर रहा है। और इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि हिमालय के कुछ डिस्प्यूटेड बॉर्डर लैंड पर चीन कई सारे नए विलेजेस का भी निर्माण कर रहा है, और जबकि ऐसी भी रिपोर्ट्स हैं कि एक बड़ी संख्या में चाइनीज डिस्ट्रॉयर्स को जापानीज वाटर के बेहद ही करीब स्पॉट किया गया है। वैसे अगर चिंदी पड़ोसी की बात हो रही है तो आपको बता दें कि इनके यहाँ एक नया क्रिमिनल लॉ लागू किया गया है, और उस लॉ के मुताबिक अगर चीन में इंटरनेट पर कोई भी चीन की मिलिट्री कैजुअल्टीज के बारे में सवाल करेगा तो उसे एक अपराध की तरह माना जाएगा।
और फिर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आपको ध्यान होगा कि जब अभी कुछ समय पहले चीन ने अपनी गलवान घाटी वाली कैजुअल्टीज का औपचारिक रूप से खुलासा किया था तो उस पर उनकी ही जनता की तरफ से सवाल उठाए गए थे और जिन्होंने सवाल उठाए थे उन सभी को डिटेन किया गया था और उनके खिलाफ कुछ आपराधिक मामले दर्ज किए गए थे। और अब भविष्य में कोई और ऐसे सवाल ना उठाए तो इसके लिए चीन ने एक नया ही लॉ निकाल दिया है। अब आके तो चीन की सरकत पर क्या ही कहें, और वैसे भी चीन कौन सा दुनिया का सबसे आदर्शवादी देश है, वहां तो ये सब चीजें होना आम बात है। पाकिस्तान के एक सीनियर मोस्ट डिप्लोमेट का कहना है कि पाकिस्तान सभी कंट्रीज के साथ फ्रेंडली रिलेशंस बनाने की इच्छा रखता है और इन कंट्रीज में उन्होंने भारत का नाम भी लिया है और उनके मुताबिक भारत और पाकिस्तान को अपने बीच के विवादों को बातचीत के माध्यम से सुलझाना चाहिए। और इतना ही नहीं बल्कि एक रिपोर्ट तो ऐसी भी सामने आई है कि 2019 में जो पाकिस्तानी आतंकियों ने कायरतापूर्ण पुलवामा आतंकी हमले को अंजाम दिया था तो फिर उसके बाद जो पाकिस्तान को बालाकोट एयर स्ट्राइक के रूप में परिणाम देखने को मिले थे तो उसको ध्यान में रखते हुए ही बाद में पाकिस्तानी आर्मी ने यूएस की CIA के माध्यम से भारत के साथ कुछ आतंकी हमलों के इंटेलिजेंस इनपुट्स को शेयर किया था। और इस रिपोर्ट में ये तक कहा गया है कि इस तरह से इंटेलिजेंस को शेयर करके पाकिस्तान बैक चैनल टॉक्स के माध्यम से भारत के साथ फिर से अपने संबंधों को बनाना चाहता है। अब जो हमारे निकम्मे पड़ोसी की तरफ से इस तरह के बयान आ रहे हैं, अभी वैक्सीन की ओवरडोज का असर है या फिर कुछ और है, इसके बारे में तो फिलहाल अभी स्पष्ट रूप से हम नहीं कह सकते हैं। हाँ, अगर आपको कुछ पता है तो आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा एक रिपोर्ट यह है कि इस सप्ताह साउथ कोरिया के रक्षा मंत्री भारत की यात्रा कर सकते हैं और इस यात्रा के दौरान वे अपने भारतीय काउंटर पार्ट यानी कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ मीटिंग आयोजित करेंगे और उनकी इस मीटिंग के दौरान कुछ मिलिट्री टेक्नोलॉजीज पर संयुक्त रूप से काम करने को लेकर बात हो सकती है। रशिया में गगनयान मिशन के लिए चुने गए जो 4 इंडियन एस्ट्रोनॉट्स की ट्रेनिंग चल रही थी, अब वो ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है। और अब रशिया में ट्रेनिंग पूरी होने के बाद जो ये इंडियन एस्ट्रोनॉट्स हैं, इन्हें भारत में भी कुछ और मॉड्यूल स्पेसिफिक ट्रेनिंग दी जाएगी और उनकी ये ट्रेनिंग इसरो द्वारा डिजाइन किए गए क्रू और सर्विस मॉड्यूल में होगी। इसके अलावा एक रिपोर्ट ये भी है कि एक महत्वपूर्ण सफलता को हासिल करते हुए इसरो ने भारत की पहली फ्री स्पेस क्वांटम कम्युनिकेशन को 300 मीटर के डिस्टेंस पर सफलतापूर्वक प्रदर्शित करके दिखाया है और क्वांटम टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करके एक अनकंडीशनली सिक्योर्ड सैटेलाइट डेटा कम्युनिकेशन के लिए ये एक मेजर माइलस्टोन की तरह है। और आसान शब्दों में आपको समझा दें कि जो ये फ्री स्पेस क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसे क्वांटम क्रिप्टोग्राफी के नाम से भी जाना जाता है, ये बिल्कुल उसी तरह की इनक्रिप्टेड टेक्नोलॉजी है जो आप अपनी व्हाट्सएप जैसी एप्लीकेशंस पर भी देखते होंगे। यानी कि इसके माध्यम से किन्हीं दो सिस्टम्स के बीच होने वाले कम्युनिकेशन को सिक्योर रखा जा सकता है और उस कम्युनिकेशन को इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में रखा जाता है ताकि कोई थर्ड पार्टी उसका एक्सेस ना ले सके। और ये कुछ और नहीं बल्कि सिक्योरिटी को इम्प्रूव करने का एक तरीका है और इसका इस्तेमाल करके अब इसरो अपने सैटेलाइट डेटा कम्युनिकेशन को और भी सिक्योर रख सकती है। यानी कि कोई बाहर की थर्ड पार्टी इस कम्युनिकेशन को डिकोड नहीं कर सकती है क्योंकि वो इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में होगा। बाकी इसके अलावा आपको एक जानकारी और दे दें कि टीम डिफेंस स्क्वाड के ऑफिशियल ब्लॉगिंग चैनल स्क्वाडर में पहला ब्लॉग आ चुका है और अगर आप ये पहला ब्लॉग देखना चाहते हैं तो लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं। कल के जो हमारे टॉप 3 कमेंट्स हैं वो कुछ इस प्रकार है। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही, और अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख चुके हैं तो इसे लाइक करे बिना कहीं ना जाएं। बाकी इस एपिसोड को लेकर आप अपने सजेशंस और क्वेरीज कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं और अगर आप उनमें से हैं जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।